रिक्शा तारा, क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो? समीर अम्मा का बुखार नहीं उतर रहा, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ। रिक्शा रोकने के लिए कोई टैक्सी कोई रुक नहीं रहे, मैं अम्मा को कैसे लेके जाऊँ हॉस्पिटल? अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। ऐसा तो परेशान मत हो, तुम बैठो, मैं उन्हें लेके चलता हूँ। चलो चलो प्लीज चलो। चलो जी, शुक्र है बुखार तो उतरा। अब डॉक्टर ने कहा है पूरा आराम करना है। आराम है काम मेरी जिंदगी। अरे बेटा रोते नहीं है, बुखार ही था अब उतर गया है, सिर्फ आराम की जरूरत है। अब तुम रो दोगी तो अम्मा ख्याल कौन रखेगा? और एक बात और, मैं समीर के हाथ दहेजी खाना भिजवाती हूँ, तुमने आज किचन में कुछ भी नहीं करना, समझी? थैंक यू सो मच आंटी, आप दोनों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि समझ ही नहीं आ रहा आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करें। इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे अब अपने ही हैं। जहनारा ने मुझे अपनी बहन कहा है, एक बहन दूसरी बहन के साथ तो आएगी ना। अब मैं चलती हूँ, ना ख्याल रखना और तुम अम्मा ख्याल रखना। जी आंटी। आज हमारे साथ खाना खाना, गुड गर्ल, चलती हूँ। अच्छा आंटी, अब हम लोग चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अम्मा आप आराम से लेट जाएं, मैं कोई कुछ खाने के लिए रहा हूँ आपके लिए। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? तुम्हें मना किया था ना इन लोगों से मिलने के लिए, हैं? क्यों गंदगी में धकेल रही हो खुद को? खुदा का खौफ करें, उन्हें भी इंसान समझे। मैं उस मजबूर और बीमार औरत को कैसे छोड़ के आ सकती हूँ? तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी मदद करने के लिए? उसकी बच्ची बेचारी अकेली क्या क्या करती, इसलिए तो समीर को साथ लेके गई थी कि मदद हो जाए। इसे मैंने क्या गलत किया? सारे गलत किए, और तो कोई गया नहीं, तुम्हें पड़ी है वहां जाने की। मुझे तो समझ नहीं आती आप किस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं। कुछ अपने पर रहम करें और दूसरे मजबूर लोगों पर भी। तुम खुद पे रहम करो, जवान बेटा है, हाथ से निकल गया तो हाथ मलती रह जाओगी। अब बोलो, चुप चुप बैठी हो। मैं यहाँ बात कर रहा हूं और तुम मोबाइल। शौहर के हकूक के बारे में कुछ पता है नहीं और दुनिया की मदद करने के लिए निकली है। अच्छा अब हकूक और लबाद के बारे में आप बताएंगे, फरमाएं मलिक साहब। दिल तो चाहता है मैं मारे मुझे, और अब कर भी क्या सकते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, अपनी दिल की कदूरत निकाले। और आज बड़ा शौहर और बीवी के हकूक के बारे में ख्याल आ रहा है, बाहर की औरतों से दिल भर गया है? हाँ लगा दो इल्जाम, मैं तो कहता हूँ दुआ करो कि मैं मर जाऊँ ताकि तुम्हें आजादी मिल जाए उसकी तरह घूमने की। उसकी तो मैं दुआ कर नहीं सकती, शौहर का साथ अहम है, चाहे अच्छा हो या बुरा। हाँ बहुत बुरा हूँ मैं, दुनिया भर की बुराइयां है ही मुझ में। कुछ सोचे, वो बेचारी जहनारा अकेली दुनिया की गंदी नजरों से लड़ रही है। तुम्हें बेचारी नजर आ रही है ना जहनारा? मोहल्ले वालों से जाके पूछो उसका किरदार, कोई भी उससे मिलना पसंद नहीं करता सिवाय तुम्हारे। बड़ी बेहस है दुनिया, हर शख्स खुद अपने हाथ में आईना पकड़े दूसरों को उनका चेहरा दिखा रहा है, खुद नहीं देखता। ये प्रोफेसर मेरे सामने मत छाड़ो, समझे ना, बस कह दिया मुझे उनसे कोई ताल्लुक चाहिए नहीं, ना तुम्हारा ना तुम्हारे बेटे का, बस जो कह दिया सो कह दिया। हाँ आपसे तो बात करना ही फजूल है,